टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में आज शानू पठान ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक मोर्चा निकाला। ये मोर्चा ठाणी बीजेपी कार्यालय तक जाने वाला था, मगर पुलिस ने इसे मुंब्रा के दाभोलकर के पास ही रोक दिया और शानू पठान सहित एनसीपी के तमाम कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि देश भर में लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस और खाने पीने के अन्य चीज़ें महंगी होती जा रही हैं और इसी के खिलाफ आज मुंब्रा के अमृत नगर से ये विरोध प्रदर्शन एनसीपी के शानू पठान ने घोड़ों के साथ साथ बैलगाड़ियों पर निकाली। ठाणे स्थित बीजेपी कार्यालय तक ये हल्ला बोल मोर्चा जाने वाला था, मगर पुलिस ने इसे रास्ते में ही रोक दिया और शानू पठान सहित एनसीपी के तमाम कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई, आज आपकी तरफ से बीजेपी सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ जो है विशाल मोर्चा निकाला गया है, क्या देखिए कैसा है? आप ये जनता का आक्रोश आपके सामने देख सकते, आपके सामने देख सकते। लोगों ने पुराने दौर के अंदर जो सफर के लिए सामान्यतः यूज करते थे, जैसे घोड़ा, बैलगाड़ी और बाकी सब चीज़ें, आज लोग पुराने दौर में वापस आ रहे। एक तरफ हम डिजिटल दुनिया की बात करें, एक तरफ हम सोशल नेटवर्क की बात करें, एक तरफ हम देश स्मार्ट सिटी की बात करें, दूसरी तरफ महंगाई का स्तर इतना हो चुका है कि लोग आज सोच रहे हैं कि घोड़े पे, बैलगाड़ी पे चले, साइकिल पे चले। ये सामने आपके सामने उदाहरण है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की ओर से डॉक्टर जितेंद्र रावत और आनंद पांचवे के मार्गदर्शन में, सैयद अली भाई साहब और शनीम खान जी के सहयोग से ये सभी जो लोग हैं आज बीजेपी कार्यालय पे जा रहे हैं ताकि मोदी के अच्छे दिन का वादा उन्हें याद दिला सके। भाजपा कहती है कि ये सब राज्य सरकार का खेल है। राज्य सरकार का खेल है तो जिन जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या उन जगहों पे तेल 50 रुपए लीटर मिल रहा है? क्या गैस का बटला आज भी उधर 500 रुपए में मिल रहा है? वारे मोदी तेरा खेल। देखिए, हमने ये मोर्चा बीजेपी कार्यालय पे उनके अच्छे दिन के वादे याद दिलाने के लिए लेके जा रहे। केंद्र सरकार हमारी यहाँ पे हिंदुस्तान में है, उन्होंने जो वादा किया था देशवासियों को कि अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम होगी, गैस के बटले 500 से नीचे होंगे, तेल 50 रुपए लीटर मिलेगा, वो सारे वादे उनके उन्हीं को याद दिलाने जा रहे। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, देश में जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं तेल की कीमतों के दाम, पेट्रोल जो है 118 रुपया हो गया और डीजल जो 110 रुपया, 100 रुपया प्लस हो गया, जब देश में 110 रुपये डॉलर, 110 रुपये बैरल डॉलर क्रूड ऑयल था, तब देश में 76 रुपये तेल था। आज का क्रूड ऑयल जो है 76 रुपये डॉलर है और पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये प्लस है, तो सीधा सीधा देश के ऊपर ये लोग बाहर डाल रहे हैं और ये लोगों को जनता से कुछ लेना देना नहीं है, जिसके खिलाफ में शानू भाई की अगुवाई में इस आंदोलन को दिया गया है। मोदी सरकार होश में आओ, सोने के दाम कम हुए, नहीं 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 हुए,